फाइनली वो दिन आ ही गया। इतनी एक्साइटमेंट है कि पेट में दर्द हो रहा है। तो अब ये लोग 7 साल बाद जा रहे हैं, इनकी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही। जी भाई, अभी हम लोग हैं सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के, और हालात कुछ इस तरह हैं कि ये देख लें, ये जो मुंडा है, ये छोटा सा क्यूटी जो है, ये जा रहा है। किधर जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान जा रहे हो? हाँ जी, एक्साइटमेंट देख रहे हो भाई की। तो अभी ये लोग 7 साल बाद जा रहे हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आज रात को इनकी फ्लाइट है, ये इन पैकिंग शेकिंग इनकी हुई है। ये तो बस एक दो बैग यहाँ पे पड़े हैं, बाकी जो बड़े बैग हैं वो उधर रखें, वो भी आपको। मैं अभी अरहम को लेके जाऊँगा, बाहर घूमने जाएंगे थोड़ा सा, उधर ना घूम फिर के आएंगे। तब तक यहाँ पर जो छोटे मोटे काम होंगे ये लोग कर लेंगे, और उसके बाद फिर आज रात को फ्लाइट है, कोई नहीं, कल सुबह 6 बजे फ्लाइट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 बजे, यहाँ से 2-2.5 बजे यहाँ से निकलेंगे रात के। तो ये होगा कि जाएंगे उधर अपनी गाड़ी में जाएंगे, और फिर मैं वहाँ से उनको ना सी ऑफ करके फिर वापस आ जाऊँगा। और हम अभी बाहर आए हुए थे, तो ये हमारे घर के साथ ही ना ये ग्राउंड है, ठीक है, बिल्कुल कोई ना बिल्कुल साथ ही हमारे स्ट्रीट में ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो छोटे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, इनको प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो वहाँ पे है, ये पीछे लगे हुए यहाँ पे, ये देखो बैग लेके बच्चे अभी आ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे देख के मुझे काफ़ी ना इन चीज़ों को खुशी हो रही है भाई, इस तरह के काम होते हैं। तो इन चीज़ों का पाकिस्तान में थोड़ी सी कमी है, पाकिस्तान इंडिया में, तो होपफुली उधर भी हम लोग जल्द ये चीज़ें देखेंगे। ये देख लो भाई, ये अरहम को ना फ्लाइट में वो होते हैं कुछ रोना शोना होता है, तो इसमें इसके फेवरेट म्यूज़िक लगा के इसको देंगे ना, तो ये होगा कि आराम से बैठे रहेगा। ये इनके लिए लेके आया हूँ, खोल के देखते हैं क्या है इसमें। बजा बजा बजा। ये है भाई, देखो। अच्छा जी, ये हैं वो लोग ऑस्ट्रेलियन शहरी जो जा रहे हैं पाकिस्तान, कोई 7 साल बाद, राइट? 5 साल। ओ सॉरी, मैंने 7 साल बोला था, वो 5 साल है, ठीक है। तो हाँ जी, क्या फीलिंग्स है आप लोगों के भाई, बताओ हमें कुछ बताओ। यार मेरी फीलिंग्स तो ऐसी है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं पेट में गुदगुदी सी रहती और खाना हजम नहीं हो रहा, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, और पैकिंग कंप्लीट ही नहीं हो रही, और 10 दफा बैग बंद करके 10 दफा खोला है, फिर देखना है क्या रखा है, क्या रखना है, ये सीन दर सीन। भूख बेचारी को नहीं लग रही, फ्रिज खाली होगी लेकिन इसको भूख नहीं लग रही, पता नहीं। बहुत एक्साइटमेंट है लिटरली। हाँ भाई, आप क्या बोलेंगे फिर? अभी तक तो एक्साइटमेंट कंट्रोल में है, कल पता चलेगा। लो भाई, कुछ घंटों में फ्लाइट है, और ये एक से इस केस से उठा के और इसमें डाल रहे हैं भाई, ये आखिरी लम्हे तक ना ये पैकिंग पूरी नहीं होती। हाँ जी, तो हम लोग बाहर गए थे, सोचा कि आखिरी दिन आखिरी रात है तो साथ में बाहर खाना खाते हैं। हम लोग जाके चिकन कढ़ाई खा के अभी वापस आ गए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये बैग शेक जितने भी हैं हमारे, ये सारे हम गाड़ी में रखेंगे, सुबह के लिए रेडी करेंगे। सुबह के लिए मीन्स रात के लिए, अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। ये बैग्स हम लोग रखेंगे और फिर क्या करेंगे, जाके सोएंगे, और 1-2 बजे उठ के हम यहाँ से निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। We'll be right back.
हाँ जी, तो फाइनली वो दिन आ ही गया कि हम अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। इतनी एक्साइटमेंट है कि पेट में दर्द हो रहा है, गुदगुदी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली हमारा जो इंतज़ार की घड़ी थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम सुबह के 3 बजे बज रहे हैं और हम एयरपोर्ट निकल रहे हैं, रास्ते में हैं, और 6 बजे हमारी फ़्लाइट है इंशाल्लाह ताला। और हाँ जी, आप क्या बोलना चाहेंगे जी? मैं ऑलरेडी अभी जहाज चला रहा हूँ, मेरा काम तो अभी से स्टार्ट हो गया। हाँ जी, एक्साइटमेंट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? एक्साइटमेंट जब तक मैं जहाज में नहीं बैठूंगा कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, नहीं मैं एक्साइटमेंट जहाज में बैठने। हाँ जी, मुझे एक हफ्ते पहले से बहुत ज़्यादा, और आई वाज थिंकिंग कि ये टाइम क्यों नहीं गुजर रहा, लेकिन आखिर गुजर गया टाइम और आज हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, और मैं इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ। बस आप प्लीज़ हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से, हमारे सफ़र जो है वो अच्छा रहे, खैर खैरियत से वापस आ जाए, और मेरा बेटा हमें तंग ना करे, और उसकी फर्स्ट इतनी लॉन्ग फ्लाइट है तो वो आसानी से, खुशी से, आई मीन यू नो ईज़िली हमें यहाँ तक वापस पहुँचा दे और तंग ना करे। बिल्कुल, बाकी हम मिलेंगे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद। की कर दिए इधर, वो लोग अंदर गए हुए हैं, मैं ज़रा बाहर सोचा कि थोड़ी देर और रुक जाऊँ, मैं भी उनको कुछ चाहिए और कुछ, और जब तक वो लोग इमिग्रेशन सारा कुछ ना क्लियर करके आगे ना आ जाएं। तो यहाँ से सारा कुछ क्लियर है, उन लोगों ने अपने बोर्डिंग पास ले लिए हैं और वो अंदर चले गए हैं। मैं यहाँ बाहर बैठ के थोड़ा सा ना थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, कोई आधा घंटा एक वेट कर लेते हैं, तब तक ओके ना वो लोग चेक इन जब कर लेंगे फिर ये है ना कि हम भी चले। वो लोग जा रहे हैं कोई 5 साल बाद, बहुत खुश थे, और बस यही सीन है, हम रह गए इधर अकेले। और जितने भी 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते जितने भी हैं यहाँ पे अकेले गुजारने हैं, देखते हैं क्या करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बस यही दुआ करेंगे कि वो लोग अच्छे से घूम फिर के मज़े से और खैरियत से आ जाएँ वापस। तो बस वीडियो यहीं तक थी, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।